पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बदनीयत की बुनियाद पर तोड़ी गई, उस वक्त हमने मुखालफत की थी इन असम्बलियों को तोड़ने, और हमने कहा था कि ये असम्बलियों का इलेक्शन इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन हम रिकॉर्ड पे हैं, हमारे चेयरमैन ने कहा था कि ना हम जल्दी इंतखाब चाहते हैं ना हम लेट इंतखाब चाहेंगे, और उसके बाद अब भी बिलावल साहब ने भी, जरदारी साहब ने भी, सारी हमारी जमात ने वाज़े तौर पर फैसला है कि जब असम्बली की मुद्दत पूरी होगी या उससे पहले असम्बली डिसॉल्व होगी, इसको डिले करने का, इसमें कोई एक्सटेंशन का कोई इम्कान नहीं है। और हम, और इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया है, लिहाजा आप इस पर कोई शक वाली बात नहीं, इंशाल्लाह वक्त पे इंतखाब। कहरा साहब ये बताएं कि जो दुबई में मुज़ाकरात हुए हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, उसमें निगरान हमें तो जी इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि जितनी तफसील आपके पास है हमें तो उसका शायदा भी नहीं है। दुबई में दोनों बड़ी जमातों के लीडर्स मौजूद थे, हम इत्तेहादी जमातें हैं, वो आपस में मिले होंगे, हम इससे इनकार नहीं करते। लेकिन मेरी तो या शाह साहब की, जरदारी साहब से जब से वो वापस आए हैं दुबई से मुलाकात नहीं हुई, ना उनसे कोई इस मौजू पर कोई गुफ्तगू हो सकी है। सो हमें नहीं पता कि वहाँ कोई गुफ्तगू हुई तो क्या हो, ये स्पेकुलेशन है जिस तरह आप कर रहे हैं, हम भी लोगों से सुनते हैं, मीडिया में सवाल होते हैं। ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि जब दो लीडर मिले होंगे तो मुल्क का इस वक्त अमूमी जो हालात है इसी पे बहस हुई हो, तो उसमें इलेक्शन भी होंगे, उसमें बाकी जो मामूलत हैं मुल्क की इकॉनमी भी डिस्कस हुई होगी, और शायद ये केयर टेकर गवर्नमेंट का भी। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट को हमारे साथ डिस्कशन वज़ीर आज़म साहब भी मशवरा करेंगे खादी जमातों से नेचुरल, लेकिन उसके बाद फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी मशवरा होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त वो पीटीआई के धड़े से है, लिहाजा उनसे भी मशावरत होगी। ये खाली हमारे फैसले या दो जमातों ने बैठ के फैसला तो नहीं करना, वज़ीर आज़म साहब उसका एक फरीक है, वो अपने तौर पे अपने इत्तेहादियों से जिनमें हम भी शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी और बाकी जमातें भी हैं, उनसे मशवरा करेंगे, और ये कोई बड़ा मैटर नहीं करेगा। केयरटेकर गवर्नमेंट कौन सी आती है, इसलिए कि बजट हो गया, अब उसके बाद वो रिप्रोपेशन तो करेंगे नहीं, वो तो रूटीन के बिजनेस करेंगे, और ये हम श्योर करेंगे कि अगर असम्बली की मुद्दत पूरी होती है तो 60 दिन में, और अगर कबल वक्त असम्बली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में, जो आइन का तकाजा है उसके तहत वक्त पे।